तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें हम लोगों ने जाने थे कि मेटलर्जी क्या होता है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग कुछ उससे रिलेटेड डेफिनेशंस पढ़े थे, जैसे कि मिनरल और गैंग्स और मैट्रिक्स के बारे में जाने थे, ठीक है। तो वहाँ पे एक टॉपिक मिस हो गया था, वो क्या था कि नट्स, ठीक है, या फिर नेटिव ओर किसको कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो गैंग्स का जो इम्प्योर पार्टिकल होता है, गैंग क्या होता है, इम्प्योर पार्टिकल होता है, किसी भी मेटल के अंतर्गत जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। बट नट्स या फिर नेटिव ओर किसको बोलते हैं, तो जो मेटल की प्योरिटी जो होती है ना, प्योर मेटल होता है, वही क्या कहलाता है, नट्स कहलाता है या फिर नेटिव ओर कहलाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक मिस हो गया था, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओर और देयर फॉर्मूला, उसके हम लोग प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ओर के प्रकार कितने होते हैं, और साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ओर कितने होते हैं। टाइप ऑफ ओर की बात करें तो ये बेसिकली तरफ फोर तरीके होते हैं, यानी कि जो मिल्किंग के मेजर टाइप होते हैं वो चार तरीके होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा भी होते होंगे, बट उन सबसे हमको मतलब नहीं है, हमको फोर ही पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सल्फाइड ओर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो क्या है, सल्फाइड ओर है। देन सेकेंड क्या आता है, ऑक्साइड ओर। सल्फाइड ओर का दूसरा नाम कॉपर पाइराइट, सॉरी पाइराइट ओर के नाम से भी उसको जाना जाता है। और उसके बाद से आता है कार्बोनेट ओर, एंड देन लास्ट क्या आता है, हैलाइड ओर, ठीक है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं सल्फाइड ओर से, कि सल्फाइड ओर के अंतर्गत कौन कौन से ओर आते हैं, ठीक है, इसके कौन कौन से अयस्क हैं। सल्फाइड ओर बोलने का मतलब क्या है, उसके अंतर्गत सल्फाइड का अयस्क होगा ही होगा, यानी सल्फाइड की प्रेजेंटेंसी होगी, जो सल्फाइड अयस्क होगा, सल्फाइड का ओर होगा, उसके अंतर्गत सल्फाइड की प्रेजेंटेंसी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसके अंतर्गत क्या आता है, आयरन पाइराइट, ठीक है। देन सेकेंड क्या आता है, कॉपर पाइराइट, फिर उसके बाद से कॉपर ग्लांस, फिर सिल्वर ग्लांस, और उसके साथ साथ जिंक ब्लेड और गलेना आते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, इसके अलावा हो सकते हैं दूसरे भी, वो इसके और हो सकते हैं, बट हमको एनसीईआरटी का क्या कहता है, हमारे जो बीएसबी बोर्ड है वो क्या कहता है, कि आप इन सभी एग्जांपल्स को याद रखो, और जब मैं आपसे पूछूं तो आपको इसको बताना है, तो ये इसी के अंतर्गत से आपको पूछा जाता है। तो ये मस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसका ख्याल रखें, केयर करें, ठीक है, इसको याद कर लें। और मैं आपको बता दूं कि इसके कुछ निमोनिक्स होते हैं जिसको आप लोग इसके मदद से याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसके निमोनिक्स क्या है, ICSC इन बैकग्राउंड, ठीक है। तो IC का मतलब ये हुआ, यहाँ पे आप इस पिक्चर को देख सकते हो, इस पिक्चर के मदद से समझ सकते हो, IC जो क्या है वो क्या है, पाइराइट है, यानी कि आयरन और कॉपर क्या है, दोनों पाइराइट है, ठीक है। और साथ में क्या आता है, SC जो है सिल्वर और कॉपर, ये दोनों के दोनों क्या है, ग्लांस है। और BG जो है वो क्या है, जिंक ब्लेड और ग्लेना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि एक जिंक ब्लेड हो जाएगा और दूसरा क्या हो गया, ग्लेना हो जाएगा। तो इस नेमोनिक की मदद से आप इसको याद रख सकते हो लॉन्ग टर्म तक, वैसे तो आपको ये ऐसे याद हो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म तक याद रखना है तो नेमोनिक्स मस्ट है। देन हम लोग मूव करते हैं अपने सेकेंड ओर की तरफ, अब बात करते हैं ऑक्साइड ओर की, ठीक है। तो ऑक्साइड ओर जो है उसको, इसके अंतर्गत कौन कौन से ओर आते हैं उसको देखते हैं, और साथ में हम लोग इसके फॉर्मूला भी देखते हैं। पहला है हेमाटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, तीसरा है कॉपर पाइराइट, जिंक पाइराइट, पाइरोलुसाइट और बॉक्साइट, कैसिटराइट, कैसिटराइट और लेथार्ज, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, इनके ओर से है। यदि हेमाटाइट की फॉर्मूला की बात करें तो Fe2O3 इसका क्या है, फॉर्मूला है। उसके बाद से बात करते हैं हम लोग मैग्नेटाइट की, तो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4 है। ऐसे करके बहुत सारे फॉर्मूला है, इन सभी का फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड टाइप्स ऑफ ओर के बारे में, जो कि है कार्बोनेट ओर। तो इसके अंतर्गत देखते हैं कि कौन कौन से ओर आते हैं, इसको हम लोग पॉइंट है, इसका कोई निमोनिक्स नहीं है, ये एज इट है, इसको याद कर लेना है, क्योंकि एक दो का निमोनिक्स तो बनता नहीं है, तो जैसे वैसे आप लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं मैलाचाइट, एजुराइट, लाइमस्टोन, CaCO3, फिर से डोलामाइट, साइडराइट, सेरोसाइट और कैलामाइट। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो इन सभी फॉर्मूलाज को और साथ में नेम। और बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट, वो है हैलाइड ओर, ठीक है। तो हैलाइड ओर के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है रॉक साल्ट। रॉक साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, ये नमक का जनरली तौर पर फॉर्मूला होता है, NaCl, ये क्या है, नमक का फॉर्मूला है, इसको रॉक साल्ट के नाम से भी जाना जाता है, सेंधा नमक जो होता है उसका ये फॉर्मूला है। देन आफ्टर आता है फ्लोरोस्पार का फॉर्मूला क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड थर्ड आता है हॉर्न सिल्वर का होता है AgCl। एंड फोर्थ पॉइंट आता है क्रायोलुसाइट, तो इसको आप
यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना टाइप्स ऑफ ओर और उसके फॉर्मूले। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो मिलती है, आपके सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाते हैं। मैं ही इस पे वीडियो नहीं बनाता हूँ, MMSE कोचिंग के जितने भी टीचर्स हैं वो सारे लोग इस पे वीडियो अवेलेबल करते हैं। तो इस चैनल को आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर ले, आप अपने कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर नाउ।